नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप, और ये तस्वीरें आपको हम शिमला के रिज मैदान की दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं मौसम काफ़ी सुहाना बना हुआ राजधानी शिमला का। जिस तरह से दिन में थोड़ी धूप थी, अब शाम के वक्त जो है बिल्कुल विपरीत मौसम है। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल इस वक्त है सुहाना मौसम है, जो दिन के वक्त थोड़ी बहुत धूप लोग महसूस कर रहे थे, गर्मी उससे राहत मिली है। और ये देखिए, अब आसमान में बादल खिलाए हैं। हालांकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है प्रदेश भर में मौसम खराब रहने का। कल से ही मौसम खराब रहना था, लेकिन आज से ही थोड़ा बदलाव मौसम में हो गया है, और आने वाले सप्ताह भर मौसम प्रदेश में इसी तरह से रहने वाला है। बीच बीच में बादल और बीच बीच में धूप खिलेगी। कुल मिलाकर मौसम सुहाना रहेगा। कल के दिन थोड़ी जो वार्निंग है कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की, वो मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है मौसम, लेकिन बादल रहेंगे। 9 मई तक जो है, जो ऊंचाई वाले इलाके हैं खासतौर पर, वहाँ पर के बादल रहने का अनुमान जो है मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं इस सुहाने मौसम की। लोग काफ़ी संख्या में पहुँचे हैं, खासतौर पर मैदानी राज्यों से, जहाँ पर इन दिनों काफ़ी गर्मी रहती है, वहाँ से लोग पहुँचे हैं। पहाड़ों का रुख लोगों ने किया है। पहाड़ों में मौसम आप देख रहे हैं बहुत सुहाना बना हुआ है, और इसी सुहाने मौसम के लिए देश विदेश से लोग शिमला घूमने पहुँचते हैं। ये सुहाना मौसम है राजधानी शिमला का, आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में आज भी पर्यटक पहुंचे हैं और इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने रिज मैदान की देख ही रहे हैं आप। देखिए पर्यटक पहुंचे हैं शिमला की इस वादियों में। ये देखिए रिज मैदान की एक खूबसूरत तस्वीरें, मौसम सुहाना बना हुआ है। ये देखिए और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि सप्ताह भर इसी तरह से मौसम रहेगा, धूप और छाँव का खेल रहेगा, धूप और बादल का खेल चलेगा। मौसम विभाग के अनुसार 9 मई तक प्रदेश में इसी तरह से मौसम रहेगा, खासतौर पर ऊंचाई वाले इलाकों में बादल रहेंगे। रिज मैदान के इस सुहाने मौसम का पर्यटक उठाते हैं, खासतौर पर जो मैदानी इलाके हैं जहाँ पर इन दिनों काफ़ी गर्मी का प्रकोप रहता है, वो लोग पहाड़ों का रुख करते हैं, क्योंकि पहाड़ों में जो मौसम है वो बिल्कुल सुहाना बना हुआ है। दिन में हल्की धूप निकल आती है, सुबह शाम थोड़ी ठंड महसूस होती है। ये जिस तरह से आप तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं, ये देखिए देखा
तो देख रहे हैं आप तस्वीरें रेस मैदान की, खूबसूरत मौसम, सुहाना मौसम, पहाड़ों में मौसम सुहाना बना हुआ है इन दिनों, और यही वजह है कि बाहरी राज्यों से पर्यटक हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं, पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। आज आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में पर्यटक आपको यहाँ पर नज़र आएंगे रेस मैदान पर। ये देखिए आप देख सकते हैं रेस मैदान पर पर्यटकों से गुलजार है शिमला का ये रेस मैदान। मौसम बिल्कुल सुहाना बना हुआ है, मैदानी राज्यों में जहाँ भीषण गर्मी का प्रकोप है वहीं शिमला की ये तस्वीरें देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह का मौसम बना हुआ है। ये देखिए, और इस मौसम का आनंद उठाने के लिए काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप शिमला की ये सुहावनी तस्वीरें। मौसम बहुत सुहाना बना हुआ है, और सप्ताह भर 9 मई तक मौसम विभाग ने कहा है कि इसी तरह का मौसम रहेगा, बादल और धूप दोनों देखने को मिलेगा। जैसे आज भी अभी शाम के वक्त जो है आप देख सकते हैं बादल आए हैं, और सुबह जो मौसम था दिन के वक्त की अगर मैं बात करूं तो दिन में थोड़ी धूप थी, लेकिन अब शाम होते होते अब आसमान में जो है वो बादल देखिए। इस तरह से आप तस्वीरें देख रहे हैं शिमला के इस सुहाने मौसम की, और काफ़ी संख्या में जो पर्यटक भी हैं वो भी पहुंचे हैं शिमला की इन वादियों में लुत्फ उठाने के लिए। ये देखिए, नहीं नहीं Thank you.
तो फिलहाल आपको शिमला की इन्हीं खूबसूरत तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं, ताज़ा तरीन अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे। बने रहेंगे आप तस्वीर चलते साथ।